ये देखो हम आसमान की ऊंचाइयों पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। यहाँ पे ना काफी सारी मछलियाँ हैं। ऐसा हो गया भाई मुझे। 2 रुपए की पेप्सी, 13 भाई सेक्सी। यहाँ से जो चढ़ाई है वो हमारी वो सीढ़ियों वाली है। डायरेक्ट अजय का नाम नहीं लिया है, ये कह दी जिप कतरे हो सकते हैं। हम लोग बनबसा से यहाँ पे आ गए थे 5:15 बजे के आसपास और हमने फिर थोड़ा सा आराम किया। अभी 6 बजने वाले हैं और हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। देखो कब तक पहुँच पाएंगे भाई। वहाँ चलते हैं, देख भाई सामने यहाँ पे नहाएंगे भाई। सुविधा देख यहाँ से उतरने की। अभी देखो संभाल के उतरना है बिना टैटू बनवाए। कूद पड़े क्या भाई? बहुत सेट नज़ारा लग रहा है। ले ले फोटो के लिए अलाउ कर दिया मैंने। एक बार दोबारा से नज़ारा चेक करो यार। आया मजा? वीडियो में नहीं आ रहा होगा लेकिन हमें पूरी मौज आ रही है। अरे यार अपना रथ लेके आओ तो ऊपर ले जा सकते हैं क्या? अपना रथ हो तो ऊपर तक ले जा सकते हैं, भैरव मंदिर तक। इधर से चलना भाई। ये देखो रास्ता मिल गई है हमें। बस वैसे मैं तो उधर से भी उतर जाता, ये कमजोर दिल के लड़के हैं ये नहीं उतर पाए वहाँ से। श्रद्धालु यहाँ पे कुछ करके गए हैं जो उन्हें नहीं करके जाना चाहिए था, जिसकी वजह से यहाँ पे बदबू आ रही है। ओए होए 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 भाई मैं भी ऐसे ही खड़ा हूँ। अब बता आजा भाई, बहुत पोज दे लिया। श्रद्धालु बहुत आगे तक है, बहुत बहुत आगे तक है। यार कितनी सेट व्यवस्था है, देख रहा है। यहाँ नहीं नहाया फिर कहाँ नहाया? भैया मना कर रहा है यहाँ नहाने की। मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं नहाया तो फिर कहाँ नहाओगे? ये है चोदू, ऊपर नहीं है व्यवस्था, मना कर रहे हैं सीधे। आजा सेट कपड़े उतार के वहीं से छलांग मार दे। रिपीट रिपीट। मुझे झरने में नहाना था एक बार अपनी जिंदगी में। कहाँ झरना यार, झरना दिख रहा है। सस्ता तो है झरना भाई। यहाँ बहुत तगड़ी बहस चल रही है नहाने और ना नहाने पे। ये बाजा बजा ले, इसमें डाले हैं 1000 रुपए तो कब फायदा होगा इसका। धमक लग लग के ना आधे सर में दर्द होने लगा है। हाँ फिल्म बना देंगे पूरी, नेक भी छोड़ेंगे नहीं। आ जाऊं ऊपर? भाई ने कह दिया तो मैं जा रहा हूं ऊपर। स्विच ऑफ नहीं होऊंगा मैं, बता तो यहीं से चला जाऊंगा मंदिर। एक मिनट छोटा सा फोटो ओके सर। भाई अभी भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा है, हम जा रहे हैं और ऊपर। ओए होए 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 कहीं ऐसा ना हो कल खबर आए कि लोंडो मची खुजली गए ज्यादा ऊपर। हुए स्विच ऑफ, हुए स्विच ऑफ। ब्लॉग बनाने के चक्कर में 3 लोंडे हुए स्विच ऑफ। यहाँ देखो ग्रीन पानी भी है, काईदार। आसमानों की ऊंचाइयों पर और चारों ये देखो आसमान क्या, ये देखो आसमानों की ऊंचाइयों पर। ये कट वाला पीस है, तू वहां जाना ऊपर। अच्छा अच्छा यहाँ पे हम रिपीट है। आज हम ये देखो हम आसमान की ऊंचाइयों पर, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। नहीं है यार भाई यही नहाएंगे। भैया ये बताना इससे ज्यादा कुछ और साफ होगा? ये देखो कॉलगेट पड़ा हुआ है, वो देखो टर्बो की कैन पड़ी है, ये देखो पत्थर पड़े हैं, बता तो गिन के दिखा दूं तुझे। अरे यार मैं पैर रखने वाला था। लैंगूर भी है भाई, एनिमल्स, इनसे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है ऊपर, वो हमारी काट नहीं सकते। अवॉइड कर रहे हैं जाना ऊपर। तो अभी हमें यहाँ पे ना आधा घंटे से ज्यादा हो गया, हम यहीं पे बैठे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और देखो अभी एक सीन और हो गया मेरे साथ, मेरे जूते गए भीग।
यहाँ पे ना काफी सारी मछलियां हैं, तो मैंने सोचा था कि गोप्रो को अंदर पानी में डुबा के मछलियों का शॉट ले लूंगा। तो वो वाला पत्थर के ऊपर, मुझे लगा कि उस पत्थर के ऊपर पैर रखूंगा और वहां पे पानी था वो मुझे दिखा नहीं, तो मैंने पैर रखा और दोनों जूतों में ना पानी घुस गया। अब दोनों जूते भीग गए हैं और अभी तो हमने ट्रैकिंग स्टार्ट भी नहीं कर पाई है और अभी देखो कैसा होगा, पता नहीं, नंगे पैर करना पड़ेगा क्योंकि जूते पूरे भीग गए और शॉट भी आ नहीं पाया। जैसे ही पैर गया वैसे ही मछलियां होंगी सतर्क और इधर उधर भाग गई। नशा हो गया भाई, मुझे नशा हो गया भैया की भक्ति का नशा हो गया भाई मुझे। अभी सही हो गया भाई। आप देखो तो ना, ये देखो हमने एक शॉर्टकट ले लिया है और हमारी पहली सीढ़ियाँ। वैसे उधर से घूम के आना पड़ता लेकिन हम सीढ़ियों से चढ़ के आ गए हैं वहाँ पे। हैशटैग शॉर्टकट। ज़्यादा नहीं बची है, बहुत बची है, ज़्यादा है। आप देखो सिगरेट फूकते हुए जा रहे हैं, सिगरेट फूक फूक के शॉर्टकट ले रहे हैं। अभी ये जो गाड़ियां निकल रही हैं इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हमें साइड से चलना पड़ रहा है, लेकिन 7 बजे ये गाड़ियां बंद हो जाएंगी, उसके बाद पूरी ऐसे। भैया ने अटका दी है गाड़ी, सबको आगे निकालना है, कह रहा है मैं चढ़ाऊंगा गट्टी। मच्छर मार दिए 5-6। मैं तो बाद में एक ही बार की देखी होगी, 3 बार कर चुका हूँ अब तक, कैसे नीचे ले गया वहाँ तक। अच्छा तो ठीक है, मैं बहुत देर रुका रहा यहाँ पे। ओए होए 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 होए, ये क्या देख लिया? देख भी नहीं रहा, कैमरे में तो नहीं दिख रहा, हमें तो दिख रहा है। अब हर चीज कैमरे में दिख जाएगी तो फिर सब लोग घर से ही दर्शन नहीं कर लेंगे, फिर यहाँ आके क्या फायदा होगा। इस बात पे फोटो खींच लिया उन्होंने। वो क्या है ऊपर, क्या है रोड है क्या? फिर क्या है वो, चमत्कार है क्या? चमत्कार को नमस्कार है वो। कष्ट के लिए खेद है, लेकिन कष्ट क्या है? ये ऊपर चढ़ाई। अच्छा, इतना जो कष्ट किया चढ़ाई करके उसके लिए खेद है। हमने अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट, आपने पे कर दिया पूरा ब्लॉक खराब, फिर आप आ गए। बहुत थक गए हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है क्योंकि हमने नीचे ही अभी जहाँ रुके थे पत्थरों पे वहाँ पूरी अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी थी, पूरी एनर्जी पे मुद दिया। बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, भाग भाग के ऊपर नीचे जा रहे थे। तो एनर्जी हमारी वहीं भग गए पूरे। तो अब यहाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है लेकिन चढ़ के आएंगे, मान के चल रहे हैं, मैया जी परीक्षा ले रही है। भाई हमने एक हैक निकाल लिया है थकावट का, पैर में बहुत दर्द हो रहा था चल रहे थे तो, लेकिन हम लोगों ने किया है जूते अपने हाथ में पकड़ लिए हैं, पैरों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। मैंने चप्पल तो अपने हाथ में पकड़ ली है, अब पैरों को कंफ्यूज कर दिया है कि हम चल रहे हैं आराम कर रहे हैं, पैरों को लग रहा है हमने जूते चप्पल उतार दिए इसका मतलब आराम कर रहे हैं, लेकिन पैरों को ही नहीं पता है हम लगातार चल रहे हैं, पैर कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें आराम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कब पैरों को पता चलता है कि उनसे काम लिया जा रहा है, फिर से हम चप्पल पहन लेंगे। अब व्यवस्था पूरी सेट करके आए हैं हम लोग, स्पीकर यहाँ बज रहा है हमारा, बिल्कुल सेट, बैग में फिट है बिल्कुल, साथ में चल रहा है। स्पीकर में आया ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, तो हम लंबे रास्ते से तो चले ही आ रहे थे, हमें ऊंचे पर्वत मिल गए, लेकिन देख के डर जरूर लग गया कहीं गिर ना पड़े। हट जा, सूट देगा वो, मैं देख लो पीछे। हाँ सटाटा चले आ रहे हैं, अभी एनर्जी रिफिल करने के लिए हमने ली थी ये रोटी, बाबा इलायची, बाबा इलायची मिली है यहाँ पे एनर्जी रिफिल करने के लिए। ये देखो चट्टान, तभी हमें चट्टान दिख गई, बहुत डर लग गया देख के कहीं गिरना पड़े, लेकिन बहुत सालों से ऐसी टंगी होगी गिरेगी क्यों, ओवर एक्टिंग कर रहा है, 50 रुपए काट दिए जाएंगे तेरे। अच्छा 2 रुपए की पेप्सी, 13 भाई सेक्स थी, लेकिन ये तो 15 की है भाई, 15 रुपए की फ्रूटी 13 भाई। कमेंट सेक्शन में बताना क्या भैया, हमारा भी खींच दो फोटो, हमारा नहीं खींचोगे? कोई बात नहीं भैया, मना कर दिया अभी हमने, भैया से पूछे भैया हमारा फोटो खींच दो, भैया ने क्या अभी नहीं खींच पाएंगे, भैया ने कर दी बेइज्जती, मौज आ गई सेट बेइज्जती करी और मौज आ गई। ये हमारा खींच दोगे अपने पास रख लेना, अपने पास थोड़ा ठीक है, तो खड़े होकर आ जाओ भाई, व्हाट्सएप नंबर दे दिया, व्हाट्सएप पे डाल देना। चलो गाइस फाइनली भैया ने हां कह दी है फोटो के लिए, हो गए भाई, ठीक है भाई, थैंक यू भाई आपने फोटो खींच लिया। गाइस फाइनली खिंच गया हमारा फोटो, कह रहे थे कैसे देंगे हम आपको, तो हमने कह दिया आप अपने दिल के करीब रखना उस फोटो। जय हो, जय हो।
जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ऑफबीट, जय हो, जय हो। ये हमारा चौथा या पांचवा ब्रेक है और अजय भाई हर पांच मिनट बाद कहते हैं कि ब्रेक ले लो, थक गए हैं। ये बिल्कुल थक गए हैं, बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। क्यों आ गए यहाँ पे? मैं कहता हूँ तू कहता है। अब कैमरा चल गया तो मेरे ऊपर डाल रही हो। चलने फिरने लायक हो जाओ तब आना, हर पांच मिनट बाद कहते हो रुक जाओ रुक जाओ। डायरेक्ट अजय का नाम नहीं लिया, ये कह दी जेब कतरे हो सकते हैं। अनाउंसमेंट चल रही है, जेब कतरों से सावधान, अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं रखें। हाँ हाँ ठंडक, चप्पल उतार के पैर रख दे बस तू थोड़ी देर। ओ भैया सितार वाले, भैया एक पीछे खड़े थे वो कह रहे थे ओ भैया सितार वाले यहीं बजा दो। नहीं वो कह रहे थे सितार वादन यहीं करो। अच्छा यहीं बैठो सितार वादन यहीं करो ये कह रहे हैं। तो बढ़िया है, देखो अभी मिल चुकी है हमें ठंडी ठंडी रोड, चप्पलें उतार दी हैं मैंने फिर से, होल मौज आ रही है। तो हम अपनी पहली मंजिल पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे रुकना होता है, आराम करना होता है, थोड़ा बहुत थक जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा ऊपर चढ़ के आगे, यहीं पे आराम करना होता है और यहीं नहाना होता है और उसके बाद जाना होता है ऊपर दर्शन के लिए। यहाँ से शायद 3 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई और है, अब चढ़ाई जो है वो सीढ़ियों वाली होगी। 4 किलोमीटर तो अभी रुकेंगे आधा या एक घंटा यहाँ पे, नहाएंगे धोएंगे थोड़ा सा आराम फरमाएंगे और फिर निकल जाएंगे दर्शन के लिए। तो हमने आधी चढ़ाई तो अपनी पूरी कर ली है, यहाँ से जो चढ़ाई है वो हमारी वो सीढ़ियों वाली है, अब तक जो थी वो रोड वाली थी। हम लोग यहाँ पे रुके थे, नहाए धोए और थोड़ा सा आराम किया और अब जा रहे हैं ऊपर की साइड। अभी हो रहे हैं 9:50, हम लोग 9 बजे आए थे ना यहाँ पे। अभी हम ढूंढ रहे हैं खाने की व्यवस्था, खाना खाते हैं उसके बाद फुल फ्री है, फिर क्या करना है ऊपर तक पहुँचना है मैया, फिर तो दर्शन करना है, प्रसाद चढ़ाना। अच्छा प्रसाद भी चढ़ाना है, दिया है। यहाँ से देखो शुरू होती है चढ़ाई, माँ पूर्णागिरी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी पूर्ण करे, आपकी भी पूर्ण करे। हाँ? अरे मेरा कहाँ है प्रसाद? मैं लेके नहीं आया, मैं वापस जाना पड़ रहा है, मैं अपना प्रसाद नीचे ही छोड़ आया हूँ, तभी ठोकर लगी। ये दोनों तो ले आए, ये ठोकर हमें यहाँ पे इसीलिए लगी थी कि प्रसाद में भूला जा रहा था, प्रसाद तो लेके आओ। तो अभी हम रुके हैं खाना ठूसने के लिए। बताओ आइटम तुमने क्या कर दिया? हमने आइटम किया है छोले चावल, आइटम तो कर दिया, ऊपर पहुंच गए प्रसाद नीचे भूल गए। प्रसाद फिर नीचे लेने आए यहीं से, सोचा खा लें। तो अभी हमने मंगाए हैं छोले चावल, ओके खाने के बाद मिलते हैं करके। मैंने तो खत्म कर दिए, इन पे नहीं झिल रहे, इन पे भी नहीं झिल रहे, मैंने मना करा लेकिन लगवाए छोले चावल करके। हम लोग पहले खाते थे ना, अब खाया नहीं जा रहा करके। जय भैया जय। अभी चाय और मंगाइए करके। एक भैया थे पीछे, उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात कही, उस टाइम तो कैमरा ऑन नहीं था, लेकिन अभी फिर से बता देते हैं आपको। बताओ भैया ने बहुत बढ़िया कॉमेडी वाली बात कही। भैया और भैया का ग्रुप बैठे हुए थे, सहता रहे थे, भैया कहते हैं कि आज हमने बहुत सवारियों को पीछे कर दिया है, चढ़ाई करते टाइम हमने बहुत सवारी पीछे कर दी है। यहाँ से हमें एक वर्ड मिलता है सवारी, हमारी भी सवारी पीछे रह गई। यहाँ कोई सवारी नहीं है, सवारियों को रोक लिया, हाथ पकड़ लिया है प्रॉपर। प्रसाद प्रसाद अंदर रख ले, यहाँ कितनी सवारी लेटी है। अब तो ये भी पकड़ेंगे, तेरे आधा प्रसाद नहीं है तेरी शकल से, ये लग रहा है तू प्रसाद लेगा ही नहीं। सवारी नहीं लग रहा हूँ क्या? उन्होंने जगह थी यहीं बैठ के वीडियो बना लो। जो लोग सीधे नीचे से ऊपर तक बैग लेके आए हैं उनके बारे में क्या कहना है? बताओ। बैठो भाई साहब, वो भैया यहीं बैठो यार, बैठो तो भाई साहब, बैठो बैठो भाई साहब, बैठो बैठो भाई साहब, बैठो भैया। भैया नहाने धोने वाले तो बोल रहे थे, बैठो नीचे भी खाली है, देखो भैया एक जगह रुकना है। जय माता दी, जय माता दी, जय।
कैसे होगा फिर प्रसाद की सेवा है। चलो तो कोई बात नहीं, सेवा प्रसाद की हम पहले बोलते प्रसाद ले लिया, अब बुद्धा भी मना कर देते कि अब नहीं। फिर हमने देख बुद्धे की बात कहा है, सेवा तो प्रसाद की है, अब नहीं हो पाएगा भैया, प्रसाद ले लिया तो किसी और के हो गए। तुझे कोई क्यों नहीं रोकता है ऐसे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं कॉल करके कह दी इनसे, पीछे भाई साहब क्या कह रहे, बैठ लो भाई साहब बैठ लो, ऊपर बीड भी है। बीड? हाँ बीड। और बताओ किसी चीज की सुविधा रह ना जाए। अब तक जो हम चढ़ रहे थे वो हमें सीढ़ी मिलती थी थोड़ी, फिर हमें फ्लैट सरफेस मिल जाता था, अब हमें प्रॉपर सीढ़ी ही मिलेंगी ऊपर मंदिर तक। और ये करीब 300 सीढ़ियां हैं, ये हमें अजय प्रताप सिंह ने बताया है, बाकी कम ज्यादा भी हो सकती हैं। आप श्योर हैं क्या? अब हमें 300 सीढ़ियां और चढ़ना है माता रानी के दर्शन के लिए। एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। टू मच? टू मच भाई, कोई भीड़ नहीं है। हाँ यार, हम सोच के आए थे अष्टमी है, बहुत ज्यादा भीड़ है। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी हो गया। यहाँ है इसी फेल। अब देखो अब हुए हैं भीड़ के दर्शन। पैसा हाथ में निकाल लो, भेंट दक्षिणा मैया की भेंट। सामने मंदिर आ गया है दक्षिणा जो प्राप्त। यहाँ पे आपको अपना प्रसाद देना होता है, नारियल यहाँ पे निकाल देते हैं और बाकी आपको वापस कर देते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा लाल ही लाल दिखेगा, चुनरी चुनरी बंधी हुई है। अभी दर्शन करके आ चुके हैं और अभी बैठे हैं सीढ़ियों पे, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। जाते टाइम भीड़ है, आते टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी 5 मिनट रेस्ट करके फिर नीचे धावा मार देंगे। तो अभी देखो हम आ चुके हैं वापस अपनी धर्मशाला में और बैटरी हो चुकी है बिल्कुल डाउन। टाइम हो रहा है 1:12। तो भाई अभी हम सोएंगे और अब बातचीत होगी सीधा सुबह।